मिट्टी का मोर। पीहू नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर था, जिसे हर कोई बहुत प्यार करता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ जाने के कारण वो जंगल की तरफ वापस लौट आता है। रास्ते में उसे बहुत कीचड़ मिलता है, जगह जगह पर धूल मिट्टी मिलती है। मोर बहुत परेशान हो जाता है। इतनी आंधी, इतना तूफान, सारे पंख मिट्टी से भर गए, कब होगी बारिश? मेरा तो नाचने को जी करता है, लेकिन हे प्रभु, जल्दी कुछ करो, नहीं तो मेरी ये खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। मोर जंगल की तरफ पानी की तलाश में चल पड़ता है। अचानक उसे पानी दिखाई पड़ता है और वो पानी पीने लगता है। चैन मिला, थोड़ा सा पानी पीऊंगा तभी आगे चल पाऊंगा। जैसे ही वो पानी पीने लगता है, उसे अपनी छवि पानी में नजर आती है। ओह नहीं, ये मिट्टी का मोर कहाँ से आ गया? उसके सारे पंख, उसका पूरा शरीर मिट्टी से भर चुका था। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी सारी खूबसूरती इस मिट्टी में छुप चुकी है, कोई मुझे नहीं पहचानेगा जब मैं जंगल तक पहुँचूंगा। हे भगवान, जल्दी बारिश करो। पीहू मोर बहुत उदास हो जाता है। वो पानी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उदास होकर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जो भी जानवर उसे रास्ते में मिलता है, वो उसे देखकर हंसने लगता है। अरे पीहू मोर, बड़े दिनों बाद नजर आए, और ये क्या हालत बना रखी है, नहाते धोते नहीं हो क्या? भालू उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था। तब पीहू मोर ने कहा, हंस लो, हंस लो, हंस लो मुझ पर, सब हंस लो, मैं क्या करूं, बारिश हो नहीं रही और ये देखो चलते चलते सारी मिट्टी मेरे शरीर पर लग गई है। ओह, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर हंसो मत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बारिश भी हो जाएगी, हम तो आराम से पेड़ पर बैठते हैं, आ जाएगी बारिश। कब आएगी, ना जाने कब आएगी। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि झमाझम बारिश होने लगती है। मोर खुशी से नाचने लगता है। हे प्रभु, तुमने मेरी आवाज सुन ली, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो। मोर नाचने लगता है, एक एक पंख जो मिट्टी से ढक चुका था पानी से धुल जाता है। सभी के सभी जानवर उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वाह, सच में पीहू, तुम बहुत खूबसूरत हो, मजा आ गया बारिश का। बारिश में नहाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी है, शुक्रिया प्रभु। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी, डॉक्टर ने कहा है बस एक हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी, और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूंगा, तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ, धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा, आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी, जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूँ तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो नौकर चाकर रख कर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ, कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं, लोग देख लेंगे, अरे छोड़िए ना। अरे सुधा जाओ ना, लेट जाओ, मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो, मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। एक दो दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया।
आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है, भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूंगा। तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था, छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे ना खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बहुत परेशान हूँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो, क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकती हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है। तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, ये भूरे रंग की शाखाएं, बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो आसपास मिट्टी लाकर रख दो, किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया, आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है, कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज मेरे बच्चे बाहर आ गए बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं, सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा, मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में, तुम आओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह आइसक्रीम, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं।
कचालू ने कहा। अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है, वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया और दो आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अरे अब सोते ही रहोगे या चलना भी है? जानते नहीं हमें आज दावत पर जाना है, चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुँचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है, तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे, आलू का अच्छे से स्वागत हुआ। उसे स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो, आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था, आज इसने 5 आइसक्रीम खाई है, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा।